Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब लोग. वेलकम बैक टू एच ग्लैम गर्ल. तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि हमें जो है वो ब्लैक हेड रिमूव करने के बारे में बताएं. तो काफ़ी अरसे से ये वीडियो पेंडिंग थी और मैं नहीं बना सकी, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ. फाइनली मुझे टाइम मिल गया. तो क्योंकि जॉब करती हूँ तो इसलिए टाइम मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा ये नेल पेंट जो है वो कैसे लग रहा है, और अगर आप लोगों को पसीना नज़र आ रहा हो तो वो इसलिए है क्योंकि मैं फ़ैन ऑफ करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अप्रिशिएट किया करें कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो आपने मुझे ज़रूर बतानी है. चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं. चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो है ये गोल्डन पर्ल का ब्लैक हेड रिमूविंग मास्क, गिव स्किन अ फ्लॉलेस फीलिंग वाइटनिंग सीरीज. और ये आपको तकरीबन मैंने बहुत अरसा हो गया लिया है, मैंने आज कल नहीं लिया, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है. और आपको ये मिल जाएगा आई थिंक सो 200 to 250 या मैक्सिमम 300, मुझे कन्फर्म नहीं है इसकी प्राइस. और अगर आप चाहें तो आप ये वाला ब्लैक हेड रिमूविंग मास्क भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कोई और भी ब्लैक हेड रिमूविंग मास्क चाहिए या कोई पील ऑफ मास्क चाहिए ब्लैक वाला जो होता है चारकोल वाला, आप वो भी ले सकते हैं. तो ये हो गया. उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो है ये, आप देख रहे हैं ये है ब्लैक हेड रिमूवल टूल कह सकते हैं इसको, ठीक है. ये आपको 40 रुपीज़ की मिल जाएगी. मैंने इसको वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैं परचेज करके लाई हूँ, सिर्फ 40 रुपीज़ की है. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप लोगों ने वो देख लेनी है. सिर्फ 40 रुपए की आएगी ये, आपको कहीं से भी ब्यूटी स्टोर से आपको आसानी से ये मिल जाएगी. ये हो गया. इसके बगैर ये मास्क काम नहीं करेगा. ये हो गया. उसके बाद क्योंकि फिर आपको इसमें चाहिए होगा एक मास्क, आप कोई सा भी मास्क ले सकते हैं. मास्क इसलिए यूज़ होता है ताकि वो आपके जो पोर्स हैं ब्लैक हेड रिमूव करने के बाद पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको क्लोज कर सके. अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वो भी कर सकते हैं. बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ को भी उस जहाँ आपने ब्लैक हेड रिमूव किए होंगे वहाँ पर आप रब करेंगे तो वो पोर्स जो है वो आपके बंद कर देगी, ठीक है. ये हो गया. अब सबसे मेन तरीका है ये है गर्म पानी. मे भी आपको धुआं भी निकलता नज़र आ रहा हो और वाकई ही बहुत गर्म है. और ये है एक स्पंज. अब कुछ लोगों का कहना है कि ये मास्क जो है ये काम नहीं करता. मैं बताती हूँ देर, ये काम क्यों नहीं करता. ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि ब्लैक हेड्स जो हैं वो बहुत ढीट होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक हेड्स क्या होते हैं. ब्लैक हेड्स ऐसे होते हैं कि कभी कभी हमारी जो स्किन है ना उसके जो पोर्स हैं मसाम जो है वो क्लॉग हो जाते हैं, यानी कि उनमें ना कचरा वगैरह फंस जाता है, ठीक है. डेड स्किन होती है, वो कचरा होता है वो फंस जाता है. उसके बाद जब हम धूप में निकलते हैं तो वो कचरा जो है वो जम जाता है, धूप उस पर पड़ती है तो वो जो मसाम हमारे जो पोर्स हैं उसके अंदर जो भी डेड स्किन होती है वो जो है वो जम जाती है और वो ब्लैक हो जाती है. जब वो ब्लैक हो जाती है तो वो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं. तो इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल है. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने ब्लैक हेड्स रिमूव कैसे करने हैं, ठीक है. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सुना होगा कि बहुत गर्म है ये इस टाइम, आपने सुना होगा कि भाप लेनी चाहिए, जो पोर्स हैं उनको खोलने के लिए भाप लेनी चाहिए, ये है वो है, ठीक. तो सेम हम इसी तरह करेंगे. मैं आपको अपने हाथ पे सारा करके दिखाऊंगी. उसके बाद जो है आपने, अब ज़्यादातर नोज़ पे होते हैं, मेरे भी नोज़ पे हैं तो मैं इसी तरीके से रिमूव करती हूँ. अब ये देखेंगे स्पंज जो है ना ये इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म है. आपने कोई से भी प्लास्टिक के बाउल में पानी गर्म कर लें, अवन में रख लें तो ज़्यादा आसानी होगी, चूल्हे पे करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है. उसके बाद आपने ये स्पंज लिया. स्पंज का अब आपने क्या करना है, ये आपने, मैं आपको अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ. स्पंज लेके गरम गरम जिस जगह पे आपके ब्लैक हेड्स हैं आपने उसको उस जगह पे रख के ना इस स्पंज को इस तरह करना, सॉरी इस तरह आपने करना है इसको, ठीक है. इस तरह
इससे क्या होगा, जो आपके पोर्स हैं वो खुलेंगे। आपने सिर्फ एक दफ़ा नहीं कि एक दफ़ा स्पंज रख के उठा लेना, नहीं, जब स्पंज थोड़ा ठंडा हो गया फिर स्पंज को डिप करना है, फिर इसी तरह करना है, ठीक है। जब अच्छे तरीके से आपका जो नोज़ है या जहाँ से भी आप निकालना चाह रहे हैं वो गर्म हो जाए और आपको पता चल जाए हाँ जी अब ये गर्म हो गया है, तो आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो है ये लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ से आपके ये होंगे ब्लैक हेड्स, हमने जगह को जो है वो पोर्स को ओपन कर लिया, क्योंकि गर्म पानी से पोर्स ओपन होते हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह करके थोड़ा सा ज़ोर लगा के आप इस तरह करके एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने ब्लैक हेड्स को, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। दर्द नहीं होगी क्योंकि हमने गर्म पानी से कर लिया था, उससे पोर्स ओपन हो गए और स्किन भी जो है वो नर्म हो जाती है, इतनी ज़्यादा दर्द नहीं होती, दर्द काबिल बर्दाश्त होती है। तो इस तरह करके आपने अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव कर लिया। जब ब्लैक हेड्स रिमूव हो गए, आपने इसको साफ़ किया। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हमारे अपने भी जर्म्स होते हैं, मैंने जैसे ब्लैक हेड्स रिमूव कर लिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसको इसी गर्म पानी में जो है इसको गर्म पानी में इस तरह डिप कर लेती हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए, ठीक है। ये हो गया, इसको आपने रख देना। अब आपने दोबारा से वही स्टेप करना है। अब क्या स्टेप करना है, दोबारा से आपने अपना स्पंज जो है वो वेट किया, बहुत गर्म है इस टाइम, उसके बाद आपने उस जगह पे दोबारा रखा ताकि जो पोर्स से खुले हुए पहले से वो ज़्यादा और खुल जाए, ताकि अगर उनमें से कोई और कचरा है तो वो भी निकल आए। इस तरह करके आपने उस जगह को दोबारा से किया। अब आपने क्या करना है, अब आती है इस मास्क की बारी। तो ये मास्क आपने इस जगह पे अप्लाई करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मास्क लगता किस तरह है। ये इस कलर की शेप में है, इस कलर की शेप में नहीं, मतलब इस तरह के टेक्सचर में है, ठीक है। इसको आपने लेके अपने उस हिस्से पे इस तरह करके लगा लेना है। फिर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये फुल ड्राई हो जाएगा तब आपने इसको पील ऑफ करना है। ये पील ऑफ होगा, ठीक है। आपने इसको इस तरह जो है वो पील ऑफ कर लिया। पील ऑफ करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने गर्म पानी को यूज़ नहीं करना, अब आपने ठंडे पानी से अपना फेस वॉश करना है। वॉश करने के बाद सिर्फ धो, मतलब फेस वॉश नहीं करना, फेस वॉश इस तरह के, मतलब फेस वॉश यूज़ नहीं करना, सिर्फ ठंडे पानी से अपना मुंह धो लेना है। जब आपने अपना मुंह धो लिया, उसके बाद आपने कोई सा भी मास्क जो है वो इस जगह पे अप्लाई कर लेना है, जिस जगह पे आपने ब्लैक हेड रिमूव किए हैं। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके पोर जो है वो ओपन रहेंगे, नहीं तो अगर आपके पास मास्क नहीं तो आप बिल्कुल ठंडे बर्फ़ के पानी से भी उस जगह को वॉश कर लें तो पोर्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। मास्क अगर आपके पास है, आपने मास्क लगाया, मास्क लगाने के बाद जो है, मास्क लगाने के बाद आपने इसको रिमूव, मास्क जब ड्राई हो जाएगा तो आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपके जो ब्लैक हेड्स हैं वो साफ़ हो चुके होंगे। और मैं इसी तरह खुद भी करती हूँ, अपने क्लाइंट्स पे भी यही तरीका आजमाती हूँ और कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। तो इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीका है ब्लैक हेड रिमूव करने का, आपने हर हफ्ते नहीं शुरू हो जाना, इससे आपके जो पोर्स हैं वो ज़्यादा ओपन हो जाएंगे। आपने महीने में हद 2 दफ़ा करना है, ओके, 15-15 दिन के बाद, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में जो है वो हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।